Hey beautiful peoples, welcome to my channel. So today is my first video. I hope आप सबको पसंद आएगी. So आज की मेरी video है, ta-da! ये beautiful flower jewelry जो कि हम bangle ceremony पे, मेहंदी ceremony पे पहन सकते हैं. ये दोनों दिन चल जाते हैं. So this ये बहुत ही ज़्यादा pretty jewelry है. इसमें आपको मिलता है मांग टीका, full necklace, earrings एंड हाथ में जो बांधते हैं ना, वो आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, बट वो दो भी हैं. सो ये मैंने बाय किया था फ्लिपकार्ट से. सो मैं आपको बता नहीं सकती कि ये इतनी ज़्यादा सुंदर है, इतनी ज़्यादा सुंदर है कि मैं क्या बोलूँ. ये मैंने अपनी मेहंदी पे पहना था, तो काफ़ी ज़्यादा. मैं आपको यहाँ पे पिक्चर शो कर देती हूँ. सो जो मैंने ये लहंगा वेयर किया हुआ है, ये इंस्पायर्ड है आलिया भट्ट का लहंगा जो उन्होंने पहना हुआ था, लेमन ग्रीन कलर. तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया था. तो वो मैंने कहाँ से बाय किया है, कितने का मुझे पड़ा है, कैसा मटेरियल है, कैसा फैब्रिक है, वो सब मैं आपको बताऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक हम ज्वेलरी की बात करते हैं. तो ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. इसकी पैकेजिंग बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है. सी दिस, इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये मुझे पड़ा है अराउंड 562 रुपीज़ का, जो कि मुझे इतना ज़्यादा भी नहीं लगा है. मतलब ठीक है, अगर आपको चीज़ अच्छी मिल रही है तो आप क्यों ना इन्वेस्ट करें इन सब में. तो मैं आपको इसको ओपन करके बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या है. सो ये कुछ ऐसी दिखती है, ऐसे ही मुझे मिली थी, तो मैंने खुद ही इसको खोल के देखा है. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसको खोलने में, मुझे काफ़ी पसंद आई ये वीडियो. सो फर्स्ट इज दिस इज मांग टीका, बहुत ही क्यूट सा, जो कि आप पहन सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये, बहुत प्रिटी है. एक्चुअली दिस टाइप ऑफ कलर्स बहुत ही पॉप करते हैं, बहुत ही खिल के आते हैं. अगर आप अच्छा ड्रेस वेयर कर रहे हो, लाइट ड्रेस वेयर कर रहे हो, तो ये काफ़ी खिल के आता है. सो फर्स्ट इज दिस मांग टीका एंड दिस इज़ हाथ का, जो भी इसको बोलते हैं, हाथ फूल, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं. बट ये दो मिले थे मुझे हाथ में डालने के लिए. ऐसे करके आप इसको टाई कर सकते हैं यहाँ से. सो दिस इज़ सो क्यूट, जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं दोनों. एंड ta-da! दिस इज़ सो क्यूट, सो क्यूट. Isn't it? ये बहुत ही प्रिटी हैं. आप इसको पहनोगे बहुत ही अच्छा लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. एंड इनका मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. जब मैंने इसको पहना था, ये हैवी बिल्कुल भी नहीं थे, लाइट वेट थे. और जो भी मुझे देख रहा था, उन सबको बहुत पसंद आया और सब पूछ रहे थे कि आपने कहाँ से बाय किया, प्लीज़ बताइए कहाँ से बाय किया, कि मुझे भी पहनना है, मुझे भी लेना है. तो ये फ्लिपकार्ट से हैं, आप वहाँ जाके बाय कर सकते हैं. ता-दा! एंड दिस इज द नेकलेस. अब इसको ऐसे पहनो या ऐसे पहनो, दोनों तरह से एडजस्ट हो जाता है ये. सो दिस इज वेरी क्यूट, सो क्यूट. मुझे ये ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, काफ़ी ज़्यादा. सो अगर आप सबको ये अगर आप सबको ये ज्वेलरी अच्छी लगी है, आप बाय करना चाहते हैं अपनी बैंगल सेरेमनी पे, मेहंदी सेरेमनी पे, या तो फिर आप ऐसे भी, अगर आपकी सिस्टर की शादी है, आपकी कज़िन की शादी है, आपके रिश्तेदार में किसी की भी शादी है जो ज़्यादा क्लोज वंस हैं, तो आप वहाँ पे ये पहन सकते हैं. इसको पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको एक बैचलर लड़की भी पहन सकती है और मैरिड लड़की भी पहन सकती है, कोई इशू नहीं है. ये ज्वेलरी सब पे बहुत अच्छी लगेगी, सब गर्ल्स पे बहुत अच्छी लगेगी ये ज्वेलरी. सो ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये जस्ट मैंने, मुझे अच्छी लगी तो मैंने इसको आपको बता दिया. ये वीडियो काफ़ी, सॉरी, ये ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. इसका मटेरियल, इसके जो, ओह माय गॉड, ये छोटे छोटे फ्लावर्स एंड दिस डिटेलिंग इज सो गुड. इसकी डिटेलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. सी दिस,
मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा है इसमें ये चीज़ लगी है कि इसका मांग टीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका मांग टीका बहुत ही ज़्यादा प्रिटी ज्वेलरी है। अगर आप बाय करना चाहें तो आप फ्लिपकार्ट से ज़रूर बाय कर सकते हैं। मे बी अभी डिस्काउंट चल रहा हो या फिर इसका प्राइस ओपन ही हो गया, आई डोंट नो। ये मैंने दिसंबर में मंगवाई थी, दिसंबर में मेरी शादी थी तो मैंने तब ये मंगवाई थी, तो 4-5 डेज में ये मुझे मिल गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अगर आप बाय करना चाहें तो ज़रूर बाय कर सकते हैं। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट। आप सबको पता है क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर करें। बाय।